नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों आज तारीख है 8 मई 2019, समय 3:44 हो रहे हैं 16 सेकेंड, मार्केट बंद हो चुका है और अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। कौन सा स्टॉक जो मैं अपने स्टॉक 3 स्टार सेक्शन में देता हूं, और जो टेलीग्राम चैनल पर उन सारे स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्मेंस किया यहां पर हम लोग देखेंगे उसको, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला स्टॉक जो मैंने दिया था दोस्तों, स्ट्राइड्स फार्मा का दिया था, ये डॉक्टर रेड्डी, अपने 3 स्टार सेक्शन में डॉक्टर रेड्डी को मैंने इसको दिया था। 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेते हैं, डॉक्टर रेड्डी को बाय करने के लिए दिया था 2950 के ऊपर। तो देखिए, ये शुरू के 5 मिनट की कैंडल को अगर हम लोग चेक करें तो ये 2950 के ऊपर गया ही नहीं, तो बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। 2930 के नीचे सेल करना था, तो पहली 5 मिनट को छोड़ते तो आपको यहाँ कहीं पर ठीक सेल करना था। 2925 से आपको सेलिंग हो रहा है, और उसके बाद जो पहला टारगेट होता है इस कंडीशन में हमारा 2915 का, वो आपको यहीं कहीं पे अचीव होगा कि 2915 का टारगेट अचीव हो गया। दूसरा टारगेट 2900 का था, तो 2900 का भी टारगेट आपको यहीं कहीं पे मिल गया। और तीसरा जो टारगेट था डॉक्टर रेड्डी का, वो टारगेट था 2885 का। तो ये तीनों टारगेट डॉक्टर रेड्डी के सेल साइड के अचीव हो गए। तो चलिए, डॉक्टर रेड्डी में आपने अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा। दूसरा स्टॉक्स जो मैंने दिया था दोस्तों, वो स्ट्राइड्स फार्मा का दिया था, ठीक है, यानी कि स्टार का। चलिए स्ट्राइड्स फार्मा को चेक कर लेते हैं हम लोग। स्ट्राइड्स फार्मा का जो चार्ट है, 495 के ऊपर बाय करने के लिए दिया था, ये पहली कैंडल है, तो 495 के ऊपर नहीं गया तो हमारा बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। पहली कैंडल छोड़ दे तो सेल करना था 485 के नीचे, तो ये स्टॉक जो है 485 से ही नीचे गिरा। और जो पहला टारगेट था इस कंडीशन 482 का था, तो यहाँ कहीं पे आपको एक टारगेट अचीव हो गया, एक टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया सेल साइड का। फिर वापस ये बाइंग में जाता है, 495 के ऊपर कब जाता है, लगभग आपको ये गया है 10:30 के आसपास में। उसका जो पहला टारगेट था 498 का था, तो यहाँ ने स्टॉक 498 का हाई लगाता है, यानी एक टारगेट बाय साइड का दिया और एक टारगेट सेल साइड का दिया स्ट्राइस फार्मा ने, और डॉक्टर रेड्डी ने दोनों तीनों टारगेट अचीव करके दिया। तीसरा स्टॉक दिया था मैंने दोस्तों सन टीवी का, चलिए सन टीवी को देख लेते हैं। बाय करना था सन टीवी को 558 के ऊपर, तो स्टॉक ये पहली कैंडल है 558 के ऊपर गया नहीं, तो बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। सेल करना था 545 के नीचे, तो यहाँ कहीं पर आपको सेल करना था। पहला टारगेट 541 का था, यहाँ पे अचीव हो गया आसानी से। दूसरा टारगेट 537 का था, यहाँ पे आसानी से अचीव हो गया। और तीसरा टारगेट जो था 533 का था, वो आपको आसानी से यहाँ पे कहीं अचीव हो गया, यानी तीनों टारगेट सन टीवी ने भी आपको अचीव करके दे दिया, यानी अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों ने बनाया होगा। अब टेलीग्राम की बात करें तो टेलीग्राम पे मैंने 2 स्टॉक्स दिए थे, जिसमें एक था हमारा BEML और दूसरा एक स्टॉक था, जब मैं टेलीग्राम चैनल को ऑन कर देता हूँ फिर पता चलेगा, एक BEML था, तो बाद में मैंने शायद BEML को मैंने कैंसिल करा दिया था। एक उसके अलावा जो स्टॉक था वो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, बस अभी ओपन हो रहा तो पता चल जाएगा जी। BEML था, तो BEML को मैंने कैंसिल करा दिया था, क्योंकि इसका प्राइस मेरे चार्ट पे सही नहीं दिख रहा था, तो गलत प्राइस चला गया था, तो मैंने कैंसिल करा दिया था 9:12 पे, इग्नोर करने के लिए कह दिया था। उसके बाद MindTree को, दूसरा स्टॉक था MindTree, 985 के ऊपर बाय था और 975 के नीचे सेल था। चलिए MindTree को ओपन करते हैं हम लोग यहाँ पर, MindTree को हम लोगों ने यहाँ पे ओपन किया। पहली कैंडल अगर हम लोग देखें, यहाँ पे है पहली कैंडल, बाय कहाँ पे करना था 985 के ऊपर, तो 985 के ऊपर ये स्टॉक गया नहीं, हमारा बाय ऑर्डर शुरू के 5 मिनट में अवॉइड करना है। उसके बाद ये स्टॉक गया नहीं 985 के ऊपर, तो बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। सेल करना था 975 के नीचे, जैसा कि आप देख पा रहे 975 के नीचे, यानी आपको यहाँ कहीं पे सेल करना था, ठीक है, यहाँ कहीं पे सेल करना था इस कैंडल पर। और पहला जो टारगेट था दोस्तों इस कंडीशन में, आपका जो पहला टारगेट निकल के आ रहा था वो निकल के आ रहा था 968 का, तो स्टॉक ने जो लो लगाया है वो 971 का लो लगाया, और वहाँ से इसने वापस रिवर्स गया। और आपका अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस था 982 का, तो लगभग ये मार्केट बंद होते होते ही आपका इसने स्टॉप लॉस हिट किया, उसके पहले इसने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, लगभग आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ लास्ट टाइम, यानी MindTree ओवरऑल
मैं अगर कहूँ, अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा, 4 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा था लगभग 0.5% का, अगर यहाँ से बुक किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। तो दोस्तों डॉक्टर रेड्डी ने तीनों टारगेट अचीव करके दिए, स्ट्राइड्स फार्मा ने एक बाय का टारगेट दिया, एक्सेल का टारगेट दिया, और सन टीवी ने तीनों टारगेट अचीव करके दिया। माइंड ट्री में हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट या एवरेज मान सकते हैं, या आप स्टॉप लॉस हिट भी मान के चल सकते हैं। तो ये था मेरा ओवरऑल अपना स्टॉप परफॉर्मेंस रिव्यू। अगर रिव्यू पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।